अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटा, आज हम बात करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर्स पर। देखिए, हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन का और पी टाइप एन टाइप सब्सटेंसेस का। लेकिन उससे पहले ये लाजिम है कि हम सिलिकॉन का बिहेवियर एट जीरो केल्विन डिस्कस करें। देखिए, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दीज आर वेरी फेवरेट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है सर, तो ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसी तरह फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। तीसरे में बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बात की। देखिए, आप एक सिलिकॉन जो है उसके बिहेवियर को डिस्कस करिए। सारी सिलिकॉन इंडस्ट्री, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इसके गिर्द घूमती है। तो सर, इसमें क्या खास बात क्या है, क्या है सिलिकॉन में ऐसा क्या है, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो बेटा, सिलिकॉन जो है इसकी प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। क्या वजह है, वो कहानी क्या है, वो देखते हैं कहानी। आप जीरो केल्विन पे एक सिलिकॉन को देखिए। ये सिलिकॉन है हमारे पास बेटा, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फोर्थ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब ये बाकी इर्द गिर्द के सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी सिलिकॉन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये देखिएगा। बाकी सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ सर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। अब आप इस सिलिकॉन को देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो चुके हैं, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका हुआ है, नियरेस्ट नोबल गैस जिसकी कन्फिग्रेशन मौजूद है। सर, इसमें बॉन्ड टेंडेंसी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना देना चाह रहा है, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसके। ठीक है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जीरो केल्विन पे, एट जीरो केल्विन, सिलिकॉन इज द परफेक्ट इंसुलेटर। इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अब जब हम रूम टेम्परेचर पे जाते हैं, क्योंकि चीज़ें डिवाइसेस हम तो रूम टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होगा, तो वहाँ क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेज होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, पीछे वैकेंसी क्रिएट होती है, दैट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ होल। अब उस होल को फिल करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है आएंगे दूसरे एटम से, सर इस तरह जो है वो कंडक्शन शुरू हो गई है, तो सो इट इज नो मोर एन इंसुलेटर, इट हैज बिकम कंडक्टर। सो दिस काइंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज अ सेमी कंडक्टर। तो 298 केल्विन पे हम कहेंगे सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर मटीरियल। अच्छा, अब ये सेमी कंडक्टर मटीरियल्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम जरा बात करते हैं, इनके ऊपर तफसील से। हम चाहते हैं हम और ज़्यादा इसकी कंडक्शन को बढ़ाएं, तो हम एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते तो कंडक्शन नहीं बढ़ा सकते, तो इसके लिए फिर हमें सहारा लेना पड़ता है डॉपिंग का। सर, डॉपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डॉपिंग। तो डॉपिंग जो है उसकी रेशियो क्या होती है? सर, डॉपिंग की रेशियो ये होती है 1:10^6 कि अगर सिलिकॉन के एटम्स जो हैं सर वो 10^6 है, तो फास्फोरस जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट आएगा सर वो हमारे पास जो है वो 1 एटम होगा। इसे डॉपेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डॉपेंट, जिसे लाके आपने डॉप किया। अब इस बुनियाद पे हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड अदर्स आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जरा देखिए कि अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और हैं जी जनाब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स को बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वन, दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अनडॉप्ड होते हैं बेटा ये।
इनमें इलेक्ट्रॉन और होल की तादाद बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दीज आर डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स, दीज आर डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद जो है वो सेम नहीं होगी, इनमें हम डॉपिंग करते हैं। सर, हम डॉपिंग किसकी करेंगे? हम साथ वाले ग्रुप्स की डॉपिंग करेंगे। अगर जुमला सुनिएगा, अगर हम फिफ्थ ग्रुप को लेके आए तो कुछ और एलिमेंट्स बनेंगे, अगर थर्ड ग्रुप को लॉक डाउन करेंगे तो कुछ और एलिमेंट्स बनेंगे। तो जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज पी टाइप। चलिए पहले एन टाइप शेयर करते हैं, एन टाइप एंड अदर वन इज पी टाइप। सर, एन टाइप कब बनते हैं? जब हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को डॉप करते हैं। फिफ्थ ग्रुप इज डॉप्ड इन सिलिकॉन। ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट जो है बेटा पेंटावेलेंट है। अब होता ही है कि जब आप एक फास्फोरस के एटम को डॉप कर रहे हैं सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन की सिमिट्री कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल, तो उस टेट्राहेड्रल सिमिट्री के अंदर जब फास्फोरस आएगा तो उसी तरह सिलिकॉन के बिहेवियर की तरह एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शेयर कर लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा मौजूद रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन का बायस बनेगा, ज़्यादा वो मटीरियल में मौजूद है। तो इन मटीरियल्स में हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं देज आर मोर देन होल्स। ठीक है सर, इन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल से ज़्यादा है। तो ये जो फास्फोरस है इसे हम कहेंगे ये डोनर, इसे इलेक्ट्रॉन दिया कंडक्शन के लिए। तो ऐसे मटीरियल को हम एन टाइप कहेंगे। एन टाइप की आने की वजह क्या है कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। और जो पी टाइप सब्सटेंसेस हैं वो कब बनते हैं? जब आप बेटा थर्ड ग्रुप को डॉप करेंगे फोर्थ में। आप थर्ड ग्रुप को लेके आइए, बोरान एल्यूमिनियम से फॉर एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम को डॉप कर रहा हूँ फास्फोरस में, तो तब हमारे पास पी टाइप सब्सटेंसेस बनेंगे बेटा। ये आ जाएगा, हम थर्ड ग्रुप डॉप करेंगे सिलिकॉन में, और ये जो है बेटा ये हमारे पास होंगे ट्राइवेलेंट। एल्यूमिनियम जब आएगा तो हमने बात की है कि सिलिकॉन की टेट्राहेड्रल सिमेट्री है। ठीक है, अब बाकी सिलिकॉन से तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन एक साइड जो सिमेट्री है वो उसकी वेकेंट रहेगी, होल के तौर पर बिहेव करेगी। तो इसमें बेटा जाहिर है होल ज़्यादा हैं, इसको फिट करने के लिए आगे कंडक्शन शुरू होगी, इसमें होल्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, और यहाँ जो आने वाला डोपेंट है वो एक एक्सेप्टर का काम कर रहा है, और ये मिनॉरिटी कैरियर्स हैं यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेजॉरिटी में कौन से हैं सर? मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजॉरिटी आर होल्स। तो यूं हमने एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंसेस में इनको दो हिस्सों में बेटा कैटेगराइज कर रखा है। अब ये जो मटीरियल्स हैं एज ए होल, इन दोनों पे चार्ज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नेट चार्ज ऑन पी टाइप आर एन टाइप इज न्यूट्रल, दे आर जीरो चार्ज। एन टाइप एंड पी टाइप आर न्यूट्रल वंस। सर उसकी वजह क्या है? बाहर ये लगता है कि एन टाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं बेटा। एन टाइप को एन टाइप कहने की वजह सिर्फ ये है कि उसमें मेजोरिटी कह रही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मैं आप समझ लिया उसको एन टाइप कह रहे हैं। तो सर एन टाइप एज ए होल तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि आपने सिलिकॉन के एटम्स में फास्फोरस के एटम्स ड्रॉप किए, तो आप एटम में एटम ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ को मुझे मटीरियल जो है वो उससे नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे कि आप देखिए सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम मेटल्स जो हैं उनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वो नेगेटिवली चार्ज है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा इनमें कोई आइंस वगैरह तो नहीं ना बने कि जो आप कहेंगे इनके ऊपर चार्ज होगा, तो ओवरऑल दे आर न्यूट्रल वंस। सो दैट इज़ द पॉइंट वी हैव डिस्कस टुडे बेटा। हमने बात की है कि सिलिकॉन जो है उसकी हमने बात की है कि वो जीरो केल्विन पे तो न्यूट्रल है, जो हमारे बिल्कुल आगे जाके हमारे पास 298 केल्विन पे इट हैज बिकम समवट सेमीकंडक्टर। और फिर हमने कहा सेमीकंडक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप उनको क्यों कहते हैं? व्हेन फिफ्थ ग्रुप इज ड्रॉप्ड इन फोर्थ ग्रुप देन दीज आर कॉल्ड एज एन टाइप, एंड इफ थर्ड ग्रुप इज ड्रॉप्ड इन सिलिकॉन दैट इज कॉल्ड एज पी टाइप मटीरियल।
और दोनों के ऊपर एज ए होल चार्ज जो है दैट इज न्यूट्रल वन। तो बेटा हम यहाँ बात को ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इनका जो बिहेवियर्स हैं, उनके डिफरेंट और पैरामीटर शेयर करेंगे, सुपर कंडक्टर्स पर बात करेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे होंगे। थैंक यू।